हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। क्या है? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। और ये ऐसा व्यंजक है जो सबको समझ में भी नहीं आता है, कई बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, यूनिक तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं और इसको हम लोग साथ में मिलकर समझते हैं और देखते हैं कि समझ में कैसे नहीं आता है। ठीक है बच्चों, समझ में क्यों नहीं आता है उसका रीजन है। रीजन ये है कि किसी भी व्यंजक को समझने के लिए हमें डायग्राम समझना होता है और डायग्राम के साथ साथ स्टेप समझना होता है कि कौन कौन सा स्टेप हम फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक। और बेसिक में कुछ कई बार होता है कि हमें बेसिक भी नहीं पता है। तो अगर आप फिजिक्स में कमजोर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे आपको समझाता हूं। देखिए, पहले तो मैं कुछ पूछ लूं तो आप बता दीजिए कुलाम का फार्मूला क्या होता है। आप सोचेंगे क्यों मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि इसमें यूज करने वाला हूं। कुलाम का फार्मूला क्या होता है? कुलाम के नियम से बल का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 k Q1 Q2 / r² ये होता है बच्चों, इसका भी यूज करेंगे। और कार्य बराबर क्या होता है बच्चों? बल और गुणे विस्थापन। मतलब कि अगर एक यहाँ पे बॉडी है, इस पे मैं एक F बल लगा रहा हूँ, ठीक है, और ये बॉडी खसक करके यहाँ से यहाँ तक चली आई, x दूरी चली आई, ये यहाँ पे चली जाती है, ठीक है। तो कार्य कितना होगा? ये बल और ये दूरी, गुणा कर दीजिए, कार्य आ जाएगा। कार्य क्यों? क्योंकि कार्य का भी यूज होगा। और विभव, सबसे लास्ट बात, विभव क्या होता है? W बटे Q नॉट। अब देखिए, ये तरीका होना चाहिए किसी भी व्यंजक को समझने के लिए। तो इस व्यंजक को जो हम करने वाले हैं, सबसे पहले कुलाम का नियम लगाएंगे, फिर कार्य निकालेंगे और फिर भी निकाल देंगे। हमको भी निकालना है, क्या निकालना है? विभव। तो विभव क्या होता है? भी होता है, ठीक। तो तीन स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे और अब स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम पहले डायग्राम समझते हैं। तो डायग्राम में हमें क्या समझना है? देखिए बच्चों, एक बिंदु हम मान लेते हैं, माना कि एक बिंदु ओ है, जल्दी तो नहीं हो रहा है, माना कि एक बिंदु ओ है जिसपे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। बिल्कुल ध्यान से समझिए, इस पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और इससे आर दूरी पर, कितने दूरी पर बच्चों? R दूरी पर एक बिंदु P है और इसी P पे हमको विभव निकालना है, ठीक है। इसके आगे, इसके अलोंग एक लाइन खींच दीजिए आगे तक, और इसी पे दो बिंदु हम मान लेते हैं, एक बिंदु A और एक बिंदु B, एक बिंदु A और एक बिंदु B, और इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों? dx। इनके बीच की दूरी क्या है? dx। और इस ए बिंदु पे एक दूसरा आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है? ए बिंदु पे। हम ये भी जानते हैं कि एक प्लस क्यू आवेश दूसरे प्लस क्यू आवेश को प्रतिकर्षित करता है। ये जो क्यू नॉट है, ए प्लस है, धन आवेश है, तो ये जो आवेश है ए प्लस क्यू आवेश, इसको प्रतिकर्षित करेगा तो क्या इधर बल नहीं लगाएगा? ए आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, इस क्यू नॉट को, तो बल इधर लगाएगा, अपने से दूर ढकेलना चाहेगा क्योंकि दोनों सेम आवेश है, ठीक है। अब ये जो क्यू नॉट रखा हुआ है बच्चों, इसकी दूरी अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि इसकी दूरी एक्स है, कहां से? ओ से। कहां से? ओ से, ठीक है। ओ से एक्स दूरी पे क्यू नॉट रखा हुआ है, ए बिंदु है, इससे आगे छोटा सा, dx का मतलब छोटा, मतलब अल्पांश, एक बिंदु b है, ठीक है। तो डायग्राम, टोटल डायग्राम इतना आपको समझ लेना है, इतना है आपको डायग्राम याद करना ही पड़ेगा। अब देखिए, जैसा मैं बताया था, ये डायग्राम आप याद कर लीजिए, बाकी जो व्यंजक निकालना है, जो व्यंजक निकालना है वो देखिएगा कितने आसान तरीके से हो जाएगा। पहला स्टेप क्या करेंगे हम? इसमें और इसमें प्लस क्यू आवेश और क्यू नॉट आवेश में हम लोग कुलाम का नियम लगाएंगे। तो कुलाम का नियम क्या होता है? 1/4πε0
के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। अच्छा के यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब माध्यम का परावैद्युतांक के होता है तो के आ जाता है। कई बार बच्चों नहीं लिखा होता है, के नहीं लिखा होता है, केवल लिखा होता है एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये दोनों आवेश जब हवा या वायु या निर्वात में रखा हुआ होता है तो इस के का मान एक हो जाता है। ठीक, तो कई बार के का मान एक हो जाता है, इसलिए हम के नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक, तो इन दोनों में कूलाम का नियम लगाइए, तो क्या लिखेंगे बच्चों, लिख दीजिए कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से बच्चों, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, एफ बराबर एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन क्यू टू की जगह पे क्या आएगा बच्चों, देखना क्यू वन क्यू टू की जगह पे क्यू वन की जगह पे क्यू है, क्यू लिख दीजिए, क्यू टू की जगह पे क्यू नॉट है, क्यू नॉट लिख दीजिए, और बटे आर स्क्वायर। आर क्या होता है बच्चों, आर दोनों आवेश के बीच की दूरी होती है, तो यहां से यहां तक की दूरी है एक्स, तो यहां हम लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर समीकरण एक। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या है, हमको निकालना है डब्लू, तो डब्लू ऐसे ही नहीं आ जाएगा, पहले हम इस डीएक्स अल्पांश के लिए डब्लू निकालेंगे। इस क्यू नॉट को ए से बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इस अल्पांश दूरी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, देखिए क्यू नॉट को लिखेंगे, क्यू नॉट को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। तो देखिए बच्चों कार्य होता क्या है, इसलिए मैं पहले बताता हूं कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन। तो यहां पे देखिए बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, इस Q नॉट को A से B तक लेके आ रहा हूं, मतलब लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूं, और बल उधर लग रहा है, तो इसलिए यहां पे जो कार्य होगा वो माइनस हो जाएगा, तो कार्य क्या हो जाएगा dW। आप बोलेंगे कि W कार्य होता है, dW क्यों लिखा, तो dW बच्चों इसलिए लिखा क्योंकि जो दूरी है ना dx है, अल्पांश है, तो अल्पांश के लिए हमेशा d का यूज करते हैं, तो dW छोटा सा कार्य माइनस में, माइनस क्यों, क्योंकि बल इधर लग रहा है भाई, ये जो आवेश है इस Q नॉट को उधर प्रतिकर्षित करेगा, और इस Q नॉट को A से B तक लाने में हम कार्य निकाल रहे हैं, तो dW होगा और माइनस होगा, कितना हो जाएगा बच्चों बल, और विस्थापन कितना है बच्चों, यहां से यहां तक चल रहा है, मतलब dx चल रहा है, dx लिख लीजिए, ये हमने लिख दिया dx, इसको समीकरण दो दे देते हैं। अब बच्चों समीकरण एक से f का मान रख दीजिए यहां, तो dW बराबर माइनस लगाइए, f का मान कितना है, इतना है एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये हमारे पास dW आया बच्चों, क्या आया dW, लेकिन हमको चाहिए W, तो W कब होगा, जब हम इसको इन्फिनिटी मान लीजिए, आगे इन्फिनिटी मान लीजिए, तो Q नॉट को A से B तक जब हम लाए तो हमें मिला dW, लेकिन हमको निकालना है W, तो जब हम इस Q नॉट को इन्फिनिटी से P तक लाएंगे, कहां से, इन्फिनिटी से P तक, तो O से P तक की दूरी कितनी है R, तो इन्फिनिटी से R तक जब लाएंगे, इन्फिनिटी से R तक, तो हमें मिलेगा W, तो हम क्या करेंगे समाकलन, लिख दीजिए Q नॉट को इन्फिनिटी से P तक लाने में किया गया कार्य। तो इस कार्य को हम निकालेंगे बच्चों समाकलन करके, कैसे, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, समाकलन dW, इसका समाकलन किया बराबर, समाकलन लिखिए माइनस का,
एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए समाकलन का लिमिट भी लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे लिमिट, ठीक है लिमिट क्या लगाएंगे। अगर आपको समाकलन नहीं आता है तो बेसिक समाकलन आप एक देख लीजिए। अगर हमको इन्फिनिटी से पी तक लेके आना है तो बच्चों यहां लिखेंगे इन्फिनिटी और यहां लिखेंगे आर, यहां लिखेंगे आर क्योंकि ये दूरी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन्फिनिटी से देखिए पी तक लेके आ रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या है आर, तो इन्फिनिटी से आर हो जाएगा लिमिट, ठीक। अब देखिए यहां पे जो वेरिएबल है, जो चर है वो केवल एक्स है, ये एक्स है और बाकी सब कांस्टेंट है, तो इतने को हम क्या करेंगे बाहर ले लेंगे। इसका समाकलन क्या होगा बच्चों, समाकलन अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो अगर डी एक्स लिखा रहता है तो डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, डी एक्स का समाकलन एक्स होता है। और अगर मान लीजिए कि अगर एक्स क्यूब है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एक्स क्यूब है, तो इसका समाकलन क्या होगा बच्चों, एक्स क्यूब डी एक्स ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका समाकलन होगा एक्स की घाते तीन प्लस एक, मतलब घात में एक जुड़ेगा और जो घात होगा, जो घात होगा वही नीचे आ जाता है तीन प्लस एक, घात में एक जोड़ के और जो आएगा जो घात होगा उसको नीचे भी लिख देते हैं। तो चलिए डी डब्ल्यू का क्या होगा, डी एक्स का क्या होता है एक्स, तो डी डब्ल्यू का बच्चों, डी डब्ल्यू का आप बताइए, अगर डी एक्स का एक्स तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू, ये हो जाएगा डब्ल्यू। और इधर देखिए माइनस को माइनस रहने दीजिए, इसको और इसको कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन क्यू सॉरी क्यू क्यू नॉट ऐसे, और समाकलन इन्फिनिटी से आर और डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर, डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर। इसको बहुत ही आराम से करेंगे क्योंकि यहीं पे काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है, हो गया। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए फिर मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए W बराबर क्या है बच्चों, W बराबर क्या आया, देखो माइनस है इस माइनस को लिख लो, एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट के और इधर क्यू क्यू नॉट, और यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, इसको लिख लिया हमने। अब एक्स स्क्वायर कभी भी आप देखेंगे कि बटे में मान लीजिए एक्स की पावर पाँच है, तो ये जब ऊपर जाएगा बच्चों तो एक्स की पावर माइनस पाँच हो जाता है। तो यहाँ पे डी एक्स तो ठीक है, डी एक्स तो ठीक है, डी एक्स तो ठीक है, लेकिन एक्स की पावर दो है तो ये ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस दो, और इधर इन्फिनिटी और इधर आर, ठीक है। अब इतने का समाकलन क्या होगा, अभी हमने बताया कि समाकलन क्या होता है, अगर मान लीजिए एक्स की घाते चार है ऐसे डी एक्स है, तो इसका समाकलन क्या होता है, सिंपल सा होता है बच्चों, इसमें एक जुड़ जाता है, घात में क्या जुड़ जाता है एक, तो इसका समाकलन एक्स की घाते चार है तो घात में एक जुड़ जाएगा, एक चलिए जोड़ दिया, और जो घात होगा वो नीचे लिखा जाएगा चार प्लस एक, यही घात नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना, W बराबर माइनस का चार पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट इन्फिनिटी से R, एक सेकेंड, ठीक है। इसका समाकलन क्या होगा, तो इसका समाकलन देखना, x की घाते ये जो माइनस दो है तो इसमें एक जुड़ जाएगा और जो घात होगा बच्चों वही माइनस प्लस एक, वही नीचे आ जाएगा, जैसे इसमें किया प्लस जोड़ दिया घात में और उसी घात को नीचे लिख दिया, ठीक है। और इसको ऐसे कोष्टक लगाएंगे और इन्फिनिटी से r ऐसे हम लोग डाल देंगे, ये लिमिट हम लोग छोड़ेंगे नहीं, लिमिट को रखा जाता है, ठीक है, लिमिट को रखा जाता है। अब W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए माइनस का एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, अब देखिए ये क्या हो जाएगा x की घाते माइनस दो प्लस एक, कितना हो गया माइनस एक,
भाई माइनस दो प्लस एक कितना होगा माइनस एक, और माइनस दो प्लस एक ये भी माइनस एक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक, और इस एक्स इनवर्स को हम लिख सकते हैं एक बटे एक्स। एक्स इनवर्स को क्या लिखा जाता है बोलो, एक्स बटे एक, एक बटे एक, एक बटे एक्स। एक्स इनवर्स को क्या लिखेंगे एक बटे एक्स, एक बटे एक्स। तो यहां पे इस इतने के जगह पे क्या हो जाएगा एक बटे एक्स, और ये सॉल्व होके कितना आया माइनस एक, कितना आया माइनस एक। तो माइनस एक को हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक को बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये पहले माइनस था, तो इतने को सॉल्व किया तो कितना एक बटे एक्स आया, क्योंकि इसको सॉल्व किया तो माइनस एक्स की पावर माइनस एक, और इसको हम क्या लिख सकते हैं एक बटे एक्स, और एक माइनस एक, तो कुल मिला के इसको हम माइनस ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं माइनस एक बटे एक्स ऐसे, ठीक। और ये माइनस और ये माइनस, इसको अगर हम बाहर निकालें तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको ऐसे कर दे रहा हूं, इसको ऐसे कर दे रहा हूं, हमारे पास इतना आया। मतलब इसको जब हमने हल किया तो माइनस का एक बटे एक्स आया, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, तो टोटल इतना मिला। अब इन्फिनिटी से आर, और जब भी हम लोग समाकलन करते हैं खासकर लिमिट वाला, तो क्या करते हैं कि पहले समाकलन होता है और इसके बाद लिमिट रखा जाता है। तो W बराबर एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट के, और पहले इस वाले लिमिट को रखेंगे, ठीक है, पहले इस वाले लिमिट को रखेंगे, और इसके बाद लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट बोला जाता है, इसको लोअर लिमिट। तो देखिए ऐसे ब्रैकेट, पहले इस वाली लिमिट को रखिए एक बटे आर, फिर माइनस करते हैं। ये समाकलन का तरीका है, पहले हम लिमिट वाला अगर समाकलन हमारे पास है तो इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे, इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे, और समाकलन करने के बाद जो कुछ भी आएगा तो पहले ऊपर वाला लिमिट रख देंगे और माइनस लगाएंगे, और इसके बाद लोअर वाला लिमिट रख देंगे। तो हमने इसका पहले क्या किया समाकलन किया, फिर समाकलन करने के बाद देखिए एक बटे एक्स है तो पहले इसको रखेंगे एक्स के जगह पे, तो एक बटे आर हो गया, माइनस लगाया, फिर एक बटे क्या करेंगे इस एक्स के जगह पे क्या रखेंगे लोअर वाला, तो लोअर कितना है इन्फिनिटी है, लोअर वाला क्या है इन्फिनिटी। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो गया ना। अच्छा एक बटे इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, एक बटे इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, ये जीरो हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा एक बटे आर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ गया डब्लू, यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ गया डब्लू। चलो ठीक है, हमने निकाल लिया डब्लू, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है भी, हमको क्या निकालना है भी। तो भी बराबर क्या हमने पहले बता रखा है यहाँ पे, भी बराबर क्या होता है डब्लू बटे क्यू नॉट, डब्लू बटे भी बराबर क्या होता है डब्लू बटे क्यू नॉट। तो अब डब्लू का ये जो पूरा मान है डब्लू का, यहाँ पे कुछ छूट गया क्या, नहीं यहाँ पे छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है क्यू क्यू नॉट क्यू क्यू नॉट, और यहाँ भी क्यू क्यू नॉट, ये रहेगा ना ठीक। तो W बराबर क्या होता है ये टोटल, तो W की जगह पे हम क्या रखेंगे V बराबर देखो Q नॉट Q नॉट बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट के के इनटू एक बटे आर, और बटे में क्या है Q नॉट, ये वाला Q नॉट है, तो W की जगह पे इतना रख दिया, ये Q नॉट यहाँ पे है, ये और ये कैंसिल कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बचा भी बराबर देखना, पहले इसको मैं लिख दे रहा हूं एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, और एक क्यू बचा है तो ये क्यू लिख दिया एक क्यू, और क्या बच गया आर, कौन सा आर वाला। ये वाला बचा ना, ठीक है। तो भी जो हम विभव निकालना चाहते थे वो ये आया, क्या हो गया एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर।
अब देखो होता क्या है कि के बराबर क्या, के बराबर एक, कब, जब जब ये आवेश और ये आवेश कहां रखे हों, वायु या निर्वात में, जब भी वायु या निर्वात में रखे हुए होते हैं आवेश तो हम के बराबर क्या लेते हैं, एक। तो हम लिख देंगे के बराबर एक वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। ये फार्मूला किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए, निर्वात के लिए। तो जो वायु या निर्वात के लिए हमने क्या के बराबर क्या लेते हैं, एक लिया जाता है। तो के बराबर एक वायु या निर्वात के लिए। अब भी विभव तो निकालना था हमको, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो भी विभव का सूत्र क्या आया, भी बराबर एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। चाहे तो आप के बराबर एक मत रखो, ठीक, के बराबर एक मत रखो, लेकिन अगर हम ये दर्शाना चाहते हैं कि ये जो फार्मूला है ये हम किसके लिए ले रहे हैं, वायु या निर्वात के लिए, तो वायु या निर्वात के लिए के बराबर क्या हो जाता है, एक। तो भी बराबर क्या आएगा, एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। ये फाइनल व्यंजक है, ठीक है, समझ में आया। तो ये था फाइनल व्यंजक।